जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ आयुषी पटेल एंड मैंने हाल ही में NDA 149 क्रैक किया है फ्रॉम 22 SSB भोपाल। सो मैं अपना 5 days का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिसमें कि मेरा 34 स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग था, जिसमें कि स्क्रीनिंग के बाद 30 वर स्क्रीन्ड इन एंड फाइनली 4 वर रिकमेंडेड, आउट ऑफ विच वन आई एम वन ऑफ देम। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट इज़ अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर। सो उसमें हमें जो पिक्चर दिखाई गई थी वो थी एक लाइब्रेरी की पिक्चर एंड उसमें थ्री स्टूडेंट्स वर विजिबल, थ्री, इट वॉज अ हेजी पिक्चर एंड दे वर लुकिंग डाउन एंड बिहाइंड देर वॉज अ लाइब्रेरी। सो मैंने इस पर ये स्टोरी लिखी थी कि एक कोलाज कॉम्पिटिशन है जिसमें कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एंड दे आर सर्चिंग फॉर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दी लाइब्रेरी बुक्स। सो मेरा ये PPDT की स्टोरी गई थी एंड फाइनली ग्रुप डिस्कशन के वक्त मैंने अपनी ग्रुप स्टोरी मैंने तो नहीं नैरेट की थी, मगर मैंने अपनी पॉइंट्स को रखा और जैसे कि हमारा 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप था पूरा, 12 कैंडिडेट्स का, तो 12 कैंडिडेट्स में फिश मार्केट तो ऑब्वियस ही बात है, जब क्योंकि रिपीटर्स का वो ग्रुप था। सो उसके बाद जब फिश मार्केट हो रही थी तो मैंने वेट किया मेरा टर्न आने का और जब जब वॉइस लो हुई तो मैंने अपना अपनी वॉइस को बढ़ाया और अपने पॉइंट्स रखे, पूरी ग्रुप ने मेरी बात सुनी एंड आई स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 times इन दी ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद एज यहाँ पे मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ऑलमोस्ट 4 to 5 times मैं PPDT की प्रैक्टिस करके गई थी, जहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्क्रीन इन हुई थी। सो फाइनली मैं वहाँ भी स्क्रीन इन हुई एंड ग्रुप स्टोरी में मेरे खुद के 2 to 3 points लिए गए थे बाय द ग्रुप एंड सो आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन वी प्रोसीडेड फॉरवर्ड एंड सेकेंड डे पे हमारा साइक टेस्ट था, उसके बाद द नेक्स्ट 2 days वर द GTO डेज एंड फाइनली द इंटरव्यू डे इन द लास्ट। सो साइकोलॉजी, सिंस मेरा साइकोलॉजी आई फील दैट हमेशा से ही अच्छा था, जब से मैं यहाँ पर मैंने कोचिंग किया, शिशिर सर से मैंने गाइडेंस लिया, तो मैंने जो था मेरे अंदर उसको मैंने मेंटेन किया और मैंने अपनी साइकोलॉजी की स्टोरीज लिखी, जिसमें कि 12 स्टोरीज थी एज यू ऑल नो एंड 11 वर द पिक्चर्स, जिसमें कि ऑल 11 वर द पॉजिटिव स्लाइड्स दैट वर शोन टू अस एंड ऑल इन ऑल आई रोट पॉजिटिव स्टोरीज। सो आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टोरीज इन माई साइकोलॉजी टेस्ट, इन थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दे वर विलेज स्टोरीज, विलेज पिक्चर्स। सो उस पर मैंने डिफरेंट स्टोरीज लिखी, डिफरेंट थीम्स लाइक दैट ऑफ MSMEs एंड विलेज पंचायत, ऐसी मैंने स्टोरीज लिखी और फाइनली मेरा टैट पूरा कंप्लीट हुआ, VAT, SRT एंड SD, मैंने सभी को पूरा कंप्लीट किया। VAT में मैंने एक भी वर्ड मिस नहीं किए और अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन को मैंने PIQ से लिंक करने की कोशिश की, उसको मैंने अपने इंटरव्यू वीकनेसेस स्ट्रेंथ से लिंक किया एंड फाइनली मैंने पूरी SD कंप्लीट की। मैंने पूरा VAT और TAT इस बार पूरा कंप्लीट किया, जो कि मेरी गलती थी पिछली बार, क्योंकि मैं पिछली बार बहुत सारे ऐसे VAT के वर्ड्स थे जिसमें मैं अपने व्यूज़ नहीं लिख पाई, मगर इस बार ऐसा एक भी वर्ड नहीं आया जिसमें मैंने अपना व्यू ना लिखा हो। एंड फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, द रणनीति बुक ऑफ शिशिर सर हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज उसमें जितने भी VAT के सेट्स थे, TAT के सेट्स थे, उसका मैंने खुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, स्लाइड शो बनाया, उसमें टाइमिंग्स डाली एंड फाइनली आई प्रैक्टिस इट एट होम, मल्टीपल टाइम्स आई प्रैक्टिस दी VAT वर्ड्स एंड दस आई परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दी साइकोलॉजी टेस्ट। आफ्टर दी कम्प्लीशन ऑफ दी साइकोलॉजी टेस्ट आई वेंट थ्रू दी GTO टास्क, द 2 days GTO टास्क, जिसमें कि एज यू ऑल नो कि PGT, HGT, कमांड टास्क, CT, ये सब इंक्लूडेड होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से अपना PGT, HGT किया, फुल लीड ली मैंने एंड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए अपने ग्रुप की तरफ से एंड PGT, HGT को कंप्लीट करने के लिए मैंने फुल सपोर्ट किया। कमांड टास्क ऑल्सो आई गॉट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वहाँ का एंड इन अदर्स कमांड टास्क आई वॉज सबॉर्डिनेट इन 4 ऑफ देम,
और मैं जिन जिन के में भी सबऑर्डिनेट थी, मैंने अपने कमांडर की भी हेल्प की ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए. सो GTO भी मेरा बहुत अच्छा गया. आई ऑप्टेड 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स एंड GTO टास्क मेरा, मुझे बहुत मदद मिली GTO टास्क की सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल से बहुत अच्छे से मुझे पता था कि वहाँ पे क्या क्या IOs होंगे, कैसे वहाँ परफॉर्म करना है. यहाँ मैं मल्टीपल टाइम्स PGT/GT की प्रैक्टिस करके गई थी. और यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, उसकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी ऑलमोस्ट 4 to 5 times. तो SSB में मुझे लेक्चरेट में आई गॉट 4 topics आउट ऑफ विच आई चोज क्रिप्टो करेंसी. जो 4 topics मुझे मिले थे वो थे क्रिप्टो करेंसी, हेल्थ बिजनेस एंड इट वॉज स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड आफ्सपा. एंड इन ग्रुप डिस्कशन द फर्स्ट टॉपिक दैट वी गॉट वॉज द स्पोर्ट्स इन इंडिया. In order to enhance the sports in India, what is most important? Getting to know about your talent at the right time. The second lead was the educational institutions and the third lead was the government policies. और जो मुझे second group discussion का topic मिला था वो था about the relation between the countries. So relation between the countries majorly focuses on what? The first lead was their geographic locations. The second lead was their trade relations, and the third was their political relation. So मैंने दोनों ही group discussion में अच्छे से participate किया. Time रहते बोला, fish market में participate नहीं किया. And finally मेरा GD और lecturate भी बहुत अच्छा गया था. और यहाँ से मैं इतने बार practice करके गई थी तो मुझे problem नहीं हुई अपने points को वहाँ रखने में. Talking about the further task, last that was the FGT. So FGT में मैंने अपना performance जैसा शुरू में था वैसा ही last तक रखा. और मुझे लगता है कि GTO में बहुत important है कि आप throughout liveliness और अपने आप को pulled up रखें, हर एक task में उतनी ही energy से perform करें कि आपकी leadership qualities दिखती रहें GTO को. तो मुझे कर्नल आर के शर्मा सर से बहुत मदद मिली थी. उन्होंने मुझे जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए थे GTO ग्राउंड में, वो मुझे बहुत उससे हेल्प मिली. और मैंने उन सब बातों का ध्यान रखा अपना GTO टास्क के थ्रू एंड फाइनली मेरा GTO टास्क बहुत अच्छा हुआ था. टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू डे, सो मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट ने लिया था ऑफ माई बोर्ड. सो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए एंड दिस टाइम आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिकमेंडेशन एंड अबाउट एंड आई वॉज नॉट फीलिंग अ लिटिल बिट इवन नर्वस इन माई इंटरव्यू. सो इन माई इंटरव्यू मल्टीपल क्वेश्चन वर आस्क्ड अबाउट माई एजुकेशन, अबाउट माई स्पोर्ट्स, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, माई फैमिली लाइफ, माई फ्रेंड लाइफ एंड अबाउट माई टीचर्स, विच टीचर आई लाइक, आई डोंट लाइक. क्वेश्चन लाइक दिस वर आस्क्ड. Also, the reason was asked that why I could not qualify SSB in my first attempt and why and what I have done to qualify it this time. So, ऐसे question मुझसे पूछे गए थे interview में. और मैं यहाँ पर खुद 2 mock interviews देके गई थी coaching में. So, मैंने अपने खुद के mock interviews बार बार देखे, अपनी previous interviews को अच्छे से उसको बार बार देखा, मैंने क्या गलतियाँ की थी और मैं नर्वस थी पिछली बार, लेकिन मैंने इस बार अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया, अपने जवाब को कॉन्फिडेंटली रखा एंड फाइनली मैं अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देके आई थी. इवन देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन माय इंटरव्यू दैट आई हैव मिस्ड आउट और आई कुड नॉट आंसर. मेरे इंटरव्यू में 2 rapid fire questions भी हुए थे. ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, जिसमें कि मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस का रिप्लाई किया एंड मैंने कॉन्फिडेंस से उन सब का रिप्लाई किया और मैं घबराई नहीं. मेरा इंटरव्यू 1.5 hours चला था एंड मेरा इंटरव्यू GTO के सेकेंड डे पे हुआ था. सो लाइक दिस माई इंटरव्यू गॉट कम्प्लीटेड वेरी वेल एंड मैंने शुरुआत से आखिरी तक मैंने अपनी 5 days में यही देखा कि मैंने हर जगह पे मैं लाइवली रही, कॉन्फिडेंट रही, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया और अपने पॉइंट्स को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रखा. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत,
क्योंकि मैंने अपना जो मेरा खुद का परफॉर्मेंस था मैंने उसी को रखा, मैंने किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं की, और जितने भी पॉइंट्स मुझे यहाँ पर टीचर्स ने बताए अच्छे से उनको ध्यान रखा और अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट किया। मेरे ख्याल से कि मेरा रिकमेंडेशन में बहुत बड़ा हाथ मेरे प्रेजेंटेशन का भी था, जो कि मैंने साइक के दिन साइकोलॉजी में भी मैंने प्रेजेंट किया। मेनी टाइम्स दी ऑफिसर्स पॉइंटेड आउट आल्सो दैट आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग एंड द सेम स्टेटमेंट वाज आल्सो टोल्ड बाय शिशिर सर इन दी सेंचुरियन। सो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपने साइकोलॉजी टेस्ट को दिया। सो फाइनली मेरे ये तीनों टास्क बहुत अच्छे से हुए और मैंने ऑल द 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ जो हम लोग को सबको पता होती हैं, मगर मैंने जो पहली बारी में मैंने गलती की कि मैं वो क्वालिटीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी जो मेरे अंदर नहीं थी, बट मैंने इन चीज़ का ध्यान रखा कि मैं उन क्वालिटीज़ को खुद अपने अंदर डेवलप करूं, उनका अच्छे से मैं हर एक दिन उसको टिक करती जाती थी कि मैं कौन सी क्वालिटीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं और मुझे और कौन सी करनी है। मुझे याद है कि मेरे GTO दिन में GOR के टाइम भी मैंने बहुत हेल्प की अपने अपने ग्रुप को पूरी GOR कंप्लीट करने के लिए, एंड इन GOR माई ग्रुप केम थर्ड, देन ऑल्सो 2 कैंडिडेट्स वर रिकमेंडेड फ्रॉम माई ग्रुप एंड आई हेल्प माई ग्रुप अ लॉट टू गो थ्रू द GOR रेस। एंड मैं इन सब की प्रैक्टिस यहाँ करके गई थी तो मुझे पता था कि कैसे वहाँ पे मुझे प्रेजेंट करना है, एंड मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट किया। इंटरव्यू में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि कैसे मुझे जब से मैं घर से निकली हूँ और मैं यहाँ SSB तक कैसे आई, पूरा अपनी जर्नी मुझे एक्सप्लेन करनी थी, मुझसे मेरा डेली रूटीन पूछा गया इन ब्रीफ, एंड ऑल्सो मेरी मुझसे पूछा गया ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कैसे उनको कैसे किसके पास जाती हैं। तो मैंने अपनी मदर का नाम लिया तो उन्होंने मुझसे इंसिडेंसेस पूछे कि कब आप ऐसा हुआ है जब आप किसी परेशानी में हों और अब गई हूँ, बार बार उन्होंने मुझसे इंसिडेंसेस पूछे, मैंने उनको जवाब दिया, और मेरी एजुकेशनल लाइफ पे कौन सा टीचर आपका फेवरेट है कौन सा नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्यों आपके परसेंटेज ड्रॉप हुए फ्रॉम 10th to 12th, क्यों आपने स्कूल बदला फ्रॉम 10th to 12th, क्वेश्चंस लाइक दीज वर आस्क्ड, आप कैसा रिलेशन शेयर करती हैं अपने फादर के साथ और आपके सिबलिंग्स के साथ, कैसे आप टाइम स्पेंड करती हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपको वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स क्यों वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनमें आपको क्या ऐसा पसंद है, ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में, एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन बिकॉज आई हैव वेल नोटेड डाउन ऑल दी पॉइंट्स ऑल दी क्वेश्चन इन माई नोटबुक, आई हैव रिवाइज इट एवरी टाइम बिफोर गोइंग टू द SSB, एंड आई बिलीव कि आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए, जो भी आप स्पोर्ट्स लिख रहे हैं, जो भी आप अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं, यू शुड नो वेल अबाउट ऑल ऑफ दीज, कि आपसे कोई क्वेश्चन रैंडमली भी पूछा जाए जिसका आंसर आपको नहीं आता फिर भी आप उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएं। तो ट्रुथफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आप ट्रुथफुल रहेंगे तो आप पे क्रॉस क्वेश्चंस बहुत कम हो सकते हैं या आप फंस बहुत कम सकते हैं। तो ऐसे मेरा 5 days गया, मैंने नए नए फ्रेंड्स वहाँ पर बनाए और नई चीज़ें सीखी, आई लर्न टेबल टेनिस, तो मेरा ऐसा पूरा 5 दिन बहुत अच्छे से बीता, एंड सिंस दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई कुड क्वालिफाई एंड आई कुड गेट रिकमेंडेड, सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, थैंक यू। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में, ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। Find separate and regular classes for Hindi and English medium students. Free SSB training by experts and ex-SSB board member officers. India ke largest GTO ground ka exposure, library and DCS facility. Spoken English and personality development facility. Separate hostel for boys and girls. Morning physical fitness training sessions.
free access to Centurion Defense Academy's mobile app. Mini India Exposure under Centurion's roof. अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।